In our last video, we studied the chapter number 8, Going Places, at the page number 79, at the end of the page number 79. So, we will start today's lesson from page number 80. If you have your book, you may open it or you may see in the video. Let's start. All right, what does he look like? So, यहाँ पे सोफी ने अपने ब्रदर जॉफ को बताया कि वो डेनिक से मिली थी, तो पूछता है कि कैसा दिखता है वो, व्हाट डज ही लुक लाइक, ओह कम ऑन यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक। और यहाँ सोफी उसको बताना नहीं चाहती कि कैसा दिखता है और बात उठाती है कि आप जानते हो कैसा दिखता है, क्लोज टू आई मीन। और जॉफ पूछता है कि क्लोज टू नज़दीक से कैसा दिखता है, वेल ही हैज़ ग्रीन आइज जेंटल आइज। और सोफी उसका डिस्क्रिप्शन देती है कि ही हैज़ ग्रीन आइज जेंटल आइज, की बहुत ही जेंटल आइज हैं, ग्रीन कलर की उसकी आइज हैं, एंड ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक। और उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं जितनी आप सोचते हो, इसका मतलब उसने हाइट के बारे में भी एग्जैक्ट नहीं बताया। शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट। और यहाँ पे थोड़ा सा सोचती है कि क्या वो उसके टीथ के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दे, और फिर डिसाइड किया अगेंस्ट इट और नहीं बताया उसको कि नहीं बताते। दे फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम इन एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक एंड ही स्मेल्ड ऑफ सॉप। और इस समय तक उनके जो फादर थे वो वॉश कर चुके थे, नहा चुके थे, और उनका जो फेस और आर्म्स थे वो अब शाइनी थे और पिंक कलर के स्किन कलर आ गया था, क्योंकि उन्होंने सॉप से नहाया है। और नाउ ही स्मेलिंग ऑफ सॉप, साबुन की स्मेल आ रही है उनके अंदर से। ही स्विच ऑन द टेलीविज़न, और जैसे ही रूम में एंटर हुआ तो उन्होंने टेलीविज़न को स्विच ऑन किया। टॉस्ड वन ऑफ लिटिल डेरेक्स शूज फ्रॉम हिज चेयर ऑन द सोफा, और डेरेक का जो छोटा ब्रदर है सोफी का, उसका एक शूज़ उठाकर टॉस थ्रू इन टू एयर, हवा में फेंक दिया, और ये जाकर के फ्रॉम ए चेयर ऑन टू द सोफा, चेयर से फेंका गया, सोफे पे गिरा। एंड सेट डाउन विद ए ग्रंट, और ग्रंट करते हुए एक ग्रम्बलिंग साउंड करते हुए गुर्राते हुए वो सोफे पे बैठ जाते हैं गुस्सा दिखाते हुए। सोफी मैट डैनी केसी जॉफ से, और जॉफ कहता है कि सोफी डैनी केसी से मिलकर के आई है। सोफी रिगल वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल, और सिर्फ सोफी यहाँ पर रिगल करती है, छटपटाती है, बॉडीली मूवमेंट करती है थोड़ी सी, जहाँ टेबल पे वो बैठी थी वहीं से। हर फादर टर्न हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर, और फादर ने अपनी थिक नेक जो भारी गर्दन है उसको टर्न किया ग्लांस करने के लिए सोफी को देखने के लिए। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिसडेन, और फादर के जो एक्सप्रेशन थे वो डिसडेन से थे, फुल ऑफ हेटर्ड या डिसलाइक आप कह सकते हैं। इट्स ट्रू जॉफ सेड, और जॉफ कहता है कि ये बात बिल्कुल ट्रू है कि सोफी डैनी केसी से मिलकर के आई है। आई वंस न्यू ए मैन हु हैड नॉन टॉम फीनी, हिज फादर सेड रिवरेंटली टू द टेलीविजन, और फादर भी कमेंट करते हैं कि आई वंस न्यू ए मैन हु हैड नॉन टॉम फीनी, कि एक बार मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो टॉम फिनी को जानता है, वन मोर फुटबॉल प्लेयर। हिज फादर सेड रिवरेंटली, और फादर ने बड़े ही रिवरेंटली रिस्पेक्टफुली सम्मान दिखाते हुए कहा, और टेलीविजन तक देख रहे हैं वो, बट दैट वॉज ए लॉन्ग टाइम अगो, और ये बहुत लंबे समय की बात है, बहुत पुरानी बात है ये। यू टोल्ड अस जॉफ सेड, जॉफ कहता है यस फादर यू टोल्ड अस, कि आपने हमें ये बात बताई थी, कैसी माइट बी दैट गुड समडे, और कैसी जो डैनी केसी है वो भी इतना ही अच्छा गुड प्लेयर वो हो जाएगा समडे किसी दिन, बेटर देन दैट इवन ही इज द बेस्ट, और शायद उससे भी टॉम फिनी से भी अच्छा, क्योंकि वो तो बेस्ट प्लेयर है। इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर, और बात कहते हैं हाँ यस, अगर वो अपना संतुलन बनाए रखता है तो ये पॉसिबल है। इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, और दे यानी कि जो टीम मैनेजर्स हैं वो अगर उसकी लुक आफ्टर देखभाल ठीक से करते हैं, तो ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर ए यंगस्टर
इन द गेम दीज डेज। और आजकल यंगस्टर्स के लिए, जो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, उनके लिए लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हैं, वो अपने गेम से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अट्रैक्शन हैं जिसमें यंग प्लेयर्स फंस जाते हैं और अपने गेम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, अगर वो इनसे बच सकता है तो ही कुड बी द बेस्ट वन डे, ही विल बी ऑल राइट, ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री। और यहाँ पे बताया गया कि वो ठीक ठाक ही रहेगा क्योंकि वो बेस्ट टीम के साथ है और उसका ठीक से लुक आफ्टर किया जाएगा। बेस्ट टीम इन द कंट्री, इज वेरी यंग यट, और है भी तो बहुत छोटा, एज कम है, इज ओल्डर देन आई एम, शायद मुझसे तो बड़ा है, टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, लेकिन फर्स्ट टीम के लिए खेलने के लिए वो काफ़ी यंग है, मे बी द नेशनल टीम, तो नेशनल टीम भी खेलने के लिए वो शायद छोटा है। यू कॉन्ट आर्ग्यू विद दैट शॉर्ट ऑफ एबिलिटी। और आप इस तरह की एबिलिटी के साथ जो कोई प्लेयर है जिसमें इतनी एबिलिटी है, आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते, आप उसमें डाउट नहीं कर सकते। ही इज गोइंग टू बाय ए शॉप, सोफी सेड फ्रॉम द टेबल। और टोबल ने कहा, सॉरी सोफी ने कहा टेबल पर बैठे हुए कि जो डैनी केसी है वो भी एक शॉप खरीदना चाहता है। हर फादर ग्रीमेस, फादर ने ग्रीमेस किया, ग्रीमेस ना फेस बनाना, चेहरा बनाना, एक ऐसा ट्विस्ट करके फेस को बनाना ताकि सामने वाले को बुरा लगे और लगे कि वो एंग्री एक्सप्रेशन दे रहा है, एक कमेंट, एक मॉकिंग कर रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। तो वेयर डिड यू हियर दैट, कि आपने ये वर्ड्स कहाँ से सुने? ही टोल्ड मी सो, और सोफी कहते कि मुझे खुद बताया था उसने। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल, ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल एंड ड्रैग हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर। उस थोड़ा वो मटरिंग कर रहा था, बड़बड़ा रहा था, स्पीकिंग इनइजिबल यू कैन से, कि साफ नहीं बोल रहा था, तो मटरिंग कर रहा था। समथिंग इनऑडिबल, कुछ बोला जो इनऑडिबल था, दैट कैन नॉट बी हर्ड, जो सुना नहीं जा सकता। एंड ड्रैग हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, और अपने आप को राउंड चेयर से, राउंड इन हिज चेयर से घुमा करके वो उठा, ड्रैग किया उसने अपने आप को, स्लोली वो उठा। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरी, और फादर कहते हैं कि दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरी, कि एक और आपकी, ये मैंने ग्रीमियस वर्ड को दिखाया यहाँ पे, इनऑडिबल दैट कैन नॉट बी हर्ड, या मटरिंग वर्ड था, ड्रैग घसीटना है स्लोली उठना। तो फादर यहाँ कॉमेंट करते हैं कि तुम्हारी वाइल्ड स्टोरी एक इमेजनरी स्टोरी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शी मेट हिम इन द एरकेट, जॉफ सेड एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन। जॉफ ने बताया कि वो उससे एरकेट में, जो क्लोज मार्केट हम बात कर रहे थे हम लास्ट वीडियो में, एक क्लोज मार्केट होकर दोनों तरफ शॉप, बीच में पैसेज होता है, वो भी कवर्ड होता है, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात उससे हुई। यू मे टर्न द पेज, पेज नंबर 81। यस, तो फादर यहाँ पे थोड़ा सा डिसलाइक करते हुए, वन ऑफ दिस डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू ए लॉट ऑफ ट्रबल, हर फादर सेड एग्रेसिवली। फादर थोड़ा सा एग्रेसिव होते हुए, गुस्सा होते हुए कहते हैं कि अगर आप ऐसे ही बातचीत करती रही तो एक दिन आप जरूर लॉर्ड ऑफ ट्रबल में, मुसीबतों में, मुसीबतों के एक लॉर्ड में फंसने वाली हो, बोझे में फंसने वाली हो। जॉफ नोज इट्स ट्रू, डोंट यू जॉफ, और वो जॉफ की तरफ इशारा करती है कि जॉफ तुम जानते हो ना ये सही है। ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू, और जॉफ कहते हैं कि शायद फादर बिलीव नहीं करेंगे, इफ़ यू वुड लाइक टू, अगर वो चाहें तो भी। द टेबल लैम्प कास्ट एन अम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्ट ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वेड एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनीथ। थ्री ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिगी केसी। उनके यहाँ पे एक टेबल लैम्प है जो एक अम्बर ग्लो कास्ट कर रहा है, एक येलोविश लाइट वो कास्ट कर रहा है, डाल रहा है, छोड़ रहा है। हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल एंड अक्रॉस द पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड।
तो जो लाइट है वो ब्रदर के बेडरूम वॉल से और उस पोस्टर के आर पार तक जा रही है। जो पोस्टर है यूनाइटेड्स का फर्स्ट टीम स्क्वाड, टीम डिफरेंट होती है, स्क्वाड अलग होता है। स्क्वाड में एक्स्ट्रा मेंबर्स भी शामिल होते हैं, बेंच स्ट्रेंथ को शामिल किया था, 3-4 प्लेयर एक्स्ट्रा रखे जाते हैं सब्स्टिट्यूट्स के लिए या इन केस ऑफ सम इंजरी, तो उन्हें मिलाकर के जैसे क्रिकेट है 16 या 15 मेंबर स्क्वाड होता है, प्लेइंग 11 टीम होती है। एंड नाउ द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स मेड, और इसके नीचे बहुत सारी रोज बनी हुई थी कलर्ड फोटोग्राफ्स की, 3 ऑफ देम ऑफ द आयरिश प्रोडिगी केसी, और इनमें से 3 फोटोग्राफ तो आयरिश प्रोडिगी, प्रोडिगी यहाँ पे यूज़ किया गया है। देखिए प्रोडिगी, हमने टीम ऑफ स्क्वाड यूज़ किया अभी, प्रोडिगी मतलब जीनियस, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट को हम प्रोडिगी कहते हैं। केसी प्रोमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड, सोफी कहती है कि जॉब प्रोमिस करो आप किसी को नहीं बताओगे, नथिंग टू टेल इज देयर, किसी में बताने वाली कोई बात नहीं, प्रोमिस जॉब डैड वुड मर्डर मी, कि जॉब प्रॉमिस कीजिए वरना डैड मुझे जान से मार डालेंगे, ओनली इफ यू थॉट इट वॉज कि हाँ यस जरूर जान से मार डालेंगे, अगर ये सोचें वो कि आप जो कह रही हैं वो सही है। प्लीज जॉब क्रिस सॉफी यू आर स्टिल एट स्कूल, और जॉब अभी कहते हैं कि हे ईश्वर, जैसे हम हे भगवान कहते हैं वैसे ही जो क्रिश्चियंस होते हैं वो क्रिस्ट बोलते हैं कि हे ईश्वर, सॉफी यू आर स्टिल एट स्कूल, कि अब तुम अभी भी स्कूल में ही हो, केसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, और केसी के आसपास अभी भी स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स होंगी, यानी पूरे एक लाइन होगी गर्ल्स की। नो ही डजंट, और सॉफी कहती नहीं ऐसा नहीं है, उसके पास कोई स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स नहीं होगी। हाउ कुड यू नो दैट, इजियर्ड, और जॉब यहाँ थोड़ा सा जियर्ड करता है, मॉक करता है एक प्रकार से, उसका मजाक उड़ाता है कि आपको कैसे पता कि उसके आसपास लड़कियां नहीं होंगी। ही टोल्ड मी दैट्स जॉब दैट्स हाउ, कि उसने मुझे बताया इसलिए मुझे पता है। एज इफ एनीवन वुड टेल ए गर्ल समथिंग लाइक दैट, यस, कि जैसे इस तरह की बात कोई लड़का किसी लड़की से शेयर करेगा बताएगा। यस ही डिड, ही इजंट लाइक दैट, कि नहीं उन्होंने मुझे बताया कि वो ऐसा नहीं है। He is quiet, वो बड़ा शांत है, not as quiet as all that, कि इतना भी quiet नहीं जितना कि वो apparently दिखता है, outwardly बाहरी रूप से जितना दिखता है उतना भी वो शांत silent नहीं है। It was nothing like that, job, it was me spoke first, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पहले बोलना शुरू किया। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, व्हेन आई सॉ हु इट वॉज, जब मैंने देखा कि वो कौन था, आई सेड एक्सक्यूज मी बट एंड यू डेनी केसी, तो उसने कन्फर्म किया कि आप डेनी केसी नहीं है। एंड इट लुक शॉर्ट ऑफ सरप्राइज एंड ही सेड यस दैट्स राइट, थोड़ा सरप्राइज हुआ और फिर उसने कहा कि यस बिल्कुल मैं ही डेनी केसी हूँ, एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, और मुझे पता था कि वो वही है क्योंकि उसके अंदर जो एक्सेंट था, एक्सेंट होता है लहजा होता है बोलने का, एक स्टाइल होता है, हर एक आदमी हर एक एरिया की बोलने की जो स्टाइल है वो अलग होती है। यू नो लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन, कि जब वो लोग जो पत्रकार हैं जो जर्नलिस्ट हैं जब उसको इंटरव्यू लेते हैं तो उसका जो एक्सेंट है बोलने का स्टाइल क्लियर होता है। सो आई आस्क हिम फॉर एन ऑटोग्राफ लिटल डायरेक्ट, तो मैंने ऑटोग्राफ के लिए पूछा उससे छोटे डायरेक्ट के लिए, बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर ओनली और ए पेन, लेकिन हमारे पास कोई पेपर और पेन नहीं था। सो देन वी जस्ट टॉक ए बिट, फिर हम थोड़ी सी बातें की अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडो, रॉयस विंडो में जो क्लोथ्स है उसके बारे में। ही सीम लॉनली, और ऐसा लग रहा था कि वो लॉनली था, अकेला था, आफ्टर ऑल इट्स ए लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, क्योंकि जो एरिया है वेस्ट ऑफ आयरलैंड से बहुत दूर है। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग, और अब वो जैसे ही जाने वाला था, ही सेड इफ आई वुड केयर टू मीट हिम, और उसे पूछा कि क्या वो उससे मिलना चाहेगी दोबारा से, यानी किससे मिलना चाहूँगी मैं दोबारा से। यू मे टर्न द पेज नंबर 82, नेक्स्ट वीक ही वुड मीट मी He would give me an autograph then.
तो नेक्स्ट टाइम जब वो मिलेगा तो वो ऑटोग्राफ देगा, ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, और मैंने कहा कि ऑफ कोर्स मैं जरूर मिलना चाहूंगी, एज ही वुड एवर शॉप, कि जैसे कि कभी दोबारा दिखाई ही देगा। तो जॉफ यहाँ पे डाउट शो करता है अपना कि वो दोबारा नहीं आएगा। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, कि आप मुझे बिलीव करते हो या नहीं। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, उसने जैकेट ड्रैग की, ड्रैग जैकेट को खींचा, विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस, जो कि शाइनी थी लेकिन शेपलेस थी, फ्रॉम द बैक ऑफ चेयर एंड पुश हिज आर्म इन टू इट, और उसने आर्म उसमें पुश किए, उसे पुट ऑन किया। शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, और सोफी चाहती है कि वो अपनी अपीयरेंस पे ज्यादा ध्यान दे। अपीयरेंस ये होती है आउटवर्ड शो, बाहर से कैसा दिखता है व्यक्ति, कैसा लगता है। He was tall with a strong dark face, लंबा व्यक्ति है, strong dark face है उसका, handsome she thought, और उसे लगता है बहुत handsome दिखता है, हालांकि dark face है। It's the unlikest thing I ever heard, he said. और वो कहता है कि ये सबसे unlikest thing है जो मैंने आज तक सुनी है। On Saturday, On Saturday, they made their weekly pilgrimage to watch United. और यूनाइटेड की टीम को देखने के लिए, मैच देखने के लिए सैटरडे को जाते हैं, जो कि उनका वीकली पिलग्रिमेज है। पिलग्रिमेज बेसिकली तो रिलीजियस प्रोसेशन होती है, एक यात्रा होती है, धार्मिक यात्रा। जितनी श्रद्धा हम ईश्वर में रखते हैं और यात्रा करते हैं, उतनी ही श्रद्धा ये लोग, उतना ही डेवोटी है ये फुटबॉल के प्रति। तो ये जो विजिट है इज नथिंग लेस देन पिलग्रिमेज, तो उनके लिए पिलग्रिमेज से कम नहीं है। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल, सोफी हर फादर एंड लिटिल डेरेक, वो छोटा जो डेरेक है वो गोल के पास बैठते हैं। जॉफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेट्स हायर अप, और जॉफ जो कि हमेशा की तरह ऊपर जाके बैठता है अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने मेट्स के साथ में। यूनाइटेड वन 2-0 एंड केसी ड्रॉ इन द सेकेंड गोल, और जो यूनाइटेड की टीम है वो जीत जाती है, वन करती है 2-0 2-0 से, और डेनी केसी ने ड्रॉ इन द सेकेंड गोल ड्रॉ किया। ए ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, और डेनी केसी क्या ब्लेंड है, एक मिक्सचर है ऑफ इनोसेंस मासूमियत और आयरिश जीनियस, यानी ब्रिलियंट भी है और मासूम भी है। Going round the two big defenders on the edge of the penalty area, और वो penalty area के पास पहुंचता है दो defenders के सामने, with her father screaming for him to pass, और father जो कि नजदीक ही बैठा है गोल के, वो scream करते हैं, shout करते हैं, चिल्लाते हैं for pass, कि pass दिया जाए, and beating the hesitant goalkeeper from a dozen yard. और जो हेजिटेटिंग गोलकीपर था उसको डजन ऑफ यार्ड से बीट करते हुए सेकंड गोल उसने ड्रॉ किया। सोफी ग्लोव विद प्राइड, और सोफी ग्लोव करती है, देयर वाज शाइन ऑन हिज फेस विद प्राइड, गर्व के साथ में, एज शी लाइक्स हिम। आफ्टरवर्ड्स जॉफ वाज एक्स्टेटिक, और इसके बाद जॉफ तो बिल्कुल एक्स्टेटिक ही हो जाता है, जॉफ एक्स्टेटिक हो गया वहां पे, एक्स्टेटिक मतलब एक्साइटिंग, एक्साइटेड सॉरी, एक्साइटेड होता है वो, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट शो करता है। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस, और जब ये लोग बस से रिटर्न करते हैं तो किसी ने कहा बस में कि काश वो इंग्लिश मैन होता। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम, और जब सोफी उसे ब्रॉट करके लाती है वापस लेकर के आती है, तो डेरेक कहता है कि इस बार आयरलैंड वर्ल्ड कप जीतने वाली है। हर फादर वॉज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट, और फादर पब गए हुए हैं, पब एक बार की तरह होता है जहाँ बियर सर्व की जाती है, तो वहाँ गए सेलिब्रेट करने के लिए। वो
व्हाट दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक। और नेक्स्ट वीक जब सोफी जेंसी से मिलती है तो पूछती है कि क्या बात कर रही हो आप, नेक्स्ट वीक की बात करें। अबाउट व्हाट योर जॉब टोल्ड अवर फ्रैंक यू मेट डैनी किसी, कि तुम्हारे जॉब ने, सोफी के ब्रदर जॉब है और जेंसी के ब्रदर है फ्रैंक, तो तुम्हारे जॉब ने हमारे फ्रैंक को बताया कि सोफी यानी कि तुम डैनी किसी से मिली। दिस वॉज एन इंक्विजिशन, कि ये कोई इंक्विजिशन नहीं है। इंक्विजिशन मीन्स एज इफ आस्किंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछ लेना, प्रश्न माला से लगा देना। जस्ट जेंसी बीइंग नोजी, जेंसी थोड़ी सी नोजी है, कौतूहल करती है, ज़्यादा एक्साइट हो जाती है, क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है। बट सोफी वॉज स्टार्टल, लेकिन सोफी यहाँ थोड़ी सी स्टार्टल है, सरप्राइज है, हैरान हुई है और कहते ओ दैट, अच्छा वो बात। जेंसी फ्राउंड, और जेंसी फ्राउंड करती है, एक एंग्री एक्सप्रेशन देती है, फ्राउन बोहे चढ़ जाती है। सेंसिंग शी वॉज कवरिंग, ये सेंस करके शी वॉज कवरिंग, कि वो कवर कर रही है, कवर शी वॉज हाइडिंग, यहाँ पे मीनिंग लेंगे हम हाइडिंग से, क्यों कुछ छिपा रही है। येस दैट वेल येस आई डिड, कि येस हाँ ऐसा था। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सप्लेन, और जेंसी एक्सप्लेन करती है कि तुम जेंस डैनी किसी से कभी नहीं मिली। सोफी ग्लेड एट द ग्राउंड, और सोफी ग्राउंड पे ग्लेड करती है, घूरती है, एक पास निहारती है। डैम दैट जॉब, कि बुरा हो उस जॉब का। दिस वॉज ए जॉब थिंग नॉट ए जेंसी थिंग, कि ये बात जॉब को बताने वाली थी ना कि जेंसी को बताने वाली थी। इट वॉज मेन टू बी समथिंग स्पेशल, और ये कुछ स्पेशल बात थी। दिस वॉज समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन दैम, जो कि सिर्फ उनके बीच में ही थी। समथिंग सीक्रेट, समथिंग सीक्रेट। इट वॉजेंट एजेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, और एजेंसी को बताने वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। टेल गांव की एजेंसी, समथिंग लाइक दैट, एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, कि जेंसी को एक बात, उसे गांव की कहा गया है, गांव की मीन्स फूहर्ड या फिर नॉट इल मैनर्ड में से या विदाउट मैनर, कि ऐसे कोई बात बता दो, एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, तो पूरे पड़ोस को इसके बारे में पता चल जाएगा। डैम दैट जॉब वॉज नथिंग सेक्रेट, कि बुरा हो उसको डैम करती है, कर्ज करती है कि जॉब को बुरा हो, कि कुछ भी सैक्रेट नहीं रखता। सैक्रेट मैंने पवित्र नहीं है, अनटच्ड या हम कहें कि सीक्रेट नहीं रखता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर।